चर्चा करने वाले हैं तीसरे सत्र के विषय पत्र शिक्षा के परिप्रेक्ष्य के इकाई चार, जिसका शीर्षक है पाठ्यचर्या शिक्षण शास्त्र व शिक्षक। इस इकाई पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी। नमस्कार, आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस इकाई में किन बिंदुओं को शामिल किया गया है उसकी रूपरेखा को देखते हुए। शुरुआत में हम चर्चा करेंगे पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों के बीच के जो संबंध है उनके ऊपर। साथ ही हम देखेंगे कि उनमें राजनैतिक सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक उद्देश्यों को किस तरीके से समाहित किया जाता है। उसके बाद हम शिक्षण शास्त्र की संकल्पना और उस शिक्षण शास्त्र में किस तरीके के आलोचनात्मक या लोकतांत्रिक या नवाचारी जो बातें हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और फिर इन सब को लेते हुए एक शिक्षक की कैसी अवधारणा बननी चाहिए इसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पहले सवाल से, जो लगता है कि हमारे सभी साधन सेवियों का भी या प्रशिक्षकों के बीच भी काफ़ी चर्चा का एक विषय रहा है कि आखिर ये पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई बार पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को एक ही माना जाता है, और इनफैक्ट पाठ्यचर्या से पहले मैं एक और शब्द और जोड़ दूं, पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो ये पाठ्यचर्या की रूपरेखा, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें, इन चारों के बीच में क्या संबंध है इसके ऊपर कुछ प्रकाश आप डालें। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक के का जो अंतर संबंध है जी, उसको एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। अमूमन ये उदाहरण मैं बार बार देता रहा हूँ और मुझे लगता है कि यह भी माकूल अवसर है उसके देने का। हम लोग एक फुटबॉल का मैच जैसे देखते हैं तो देखते हैं कि 45-45 मिनट के दो हाफ होते हैं, 90 मिनट का पूरा खेल है, और यह खेल एक नियम के द्वारा संचालित होता है। इसकी अपनी एक नियमावली बनी हुई है। जैसे आप देखेंगे कि यदि आपने खेलने के समय आपके हाथ से गेंद छू गया तो वो गलत है, लेकिन जब गेंद बाहर निकल जाता है तो आप हाथ से ही उठा के फेंकते हैं। तो ये सब एक निर्धारित नियम है जिसके आधार पर ये खेल खेला जाता है। लेकिन जो खेल हम देखते हैं वह सिर्फ 45 मिनट का खेल नहीं है। इस खेल के पहले भी कुछ होता है जी, खेल के दौरान भी कुछ होता है और खेल के बाद भी कुछ होता है। तो खेल के पहले जो कुछ हुआ यानी खेल की तैयारी, रणनीति का निर्माण करना, फिर खेलना एक नियम के तहत, और खेलने के बाद जो भी हारता या जीतता है, दोनों ही इस बात का विश्लेषण करते हैं कि उनके हार या जीत का कारण क्या रहा है। तो यह जो पूरी प्रक्रिया है वही मेरी समझ से पाठ्यचर्या है। अच्छा। विद्यालय, विद्यालय के पूर्व और विद्यालय के पश्चात, यानी समाज घर या समाज विद्यालय, विद्यालय से फिर बच्चे का घर लौटना या उसका कहीं और जाना, एक बच्चे के सीखने के जितने भी अवसर हैं वो सिर्फ विद्यालय में नहीं होते। तो पाठ्यचर्या की ये समझ या हमारी पहले की समझ कि बच्चा सिर्फ विद्यालय में ही सीखता है, इससे अलग है। पाठ्यचर्या की जो नई अवधारणा है या बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा जिसमें विश्वास करती है, वो ये मानती है कि सीखने के वे सभी अवसर जो एक बच्चे के जीवन में आते हैं वो इस पाठ्यचर्या के अधीन या उसकी परिधि में आते हैं। पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने तो एक आधार बना दिया जी, जैसे हम आधार बना लिया हम लोगों ने कि ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना है, सीखने का अधिकाधिक अवसर देने हैं, ज्ञान सृजन का अवसर देना है, परीक्षा को लचीला बनाना है, एक ऐसी अधिभावी पहचान का निर्माण करना है जिसमें राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, यानी एक सजग और सचेत व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का काम है। उसके लिए एक रूपरेखा बनाई गई कि उसमें अलग अलग विषयों के आधार पर किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो यह जो एक पूरा खेल है इसमें ये तीन भाग जो अभी हम लोगों ने देखे ये यदि पाठ्यचर्या है, तो आप देखेंगे कि जब ये खेल चलता होता है तो उसका एक नियम है। यह नियम मुझे लगता है कि वह पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम जो ये तय करता है कि भाई इस कक्षा में हम ये बात करने बच्चे वाले को करने के साथ करने वाले हैं, या तीसरी कक्षा का बच्चा जो 8 या 9 साल का है वो गणित की इसी अवधारणा को समझ सकता है, मनोविज्ञान से आपने जाना या अनुभवों से जाना, तो वैसी स्थिति में एक नियम है जो पाठ्यक्रम है। हमारी पाठ्य पुस्तकें उस खिलाड़ी की तरह हैं जो अलग अलग स्थान पर खड़े हैं, जैसे गोलकीपर की अपनी एक भूमिका है, तीसरी कक्षा की गणित की किताब की अपनी एक भूमिका है, हम जो सेंटर हाफ खेल रहा है उसकी एक भूमिका है, या पर्यावरण की किताब हो सकती है, या ऐसे बीम आप ले सकते हैं। लेकिन इन सब के का जो मिला जुला रूप दिखाई देता है वो यही है कि हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। लक्ष्य क्या है शिक्षा का हमारे, कि
कि बच्चे सीखें, और एक ऐसे व्यक्तित्व का विकास हो जिसमें वो अपने आसपास की चीजों के प्रति सजग और सचेत हो, और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए जो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं या जो भारतीय संविधान ने हमें दिया है उसमें आस्था और विश्वास रखने वाला। अभी की जो स्थिति है हमारे राज्य की, उसमें इसी सोच और समझ के साथ पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का इस तरह से विकास किया गया ताकि ये तीनों आपस में जुड़े हुए दिखाई दें। पाठचर्या ने यह तय किया कि भाई हमारा एक पाठ्यक्रम है जो राज्य स्तर पर सबके लिए एक है, लेकिन बिहार पाठचर्या की रूपरेखा ने अपने विद्यालय स्तरीय पाठचर्या वाले पाठ में यह छूट हर इस विद्यालय को दी है कि यह तो निर्धारित हो गया कि इस विषय को आप अपने यहाँ रखेंगे, इस कक्षा में रखेंगे, लेकिन उसके सीखने सिखाने के जो तरीके हैं वो आपके होंगे, क्योंकि वह विद्यालय ही जानता है कि उसके बच्चे के पास सीखने के कितने अवसर हैं। एक थरवट के बच्चे के पास सीखने का अवसर, पटना शहर के एक बच्चे के पास सीखने के अवसर, और आप किसी गया के किसी छोटे गांव में जहां मुजहर समुदाय की बस्ती हो वहां सीखने के अवसर अलग 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 हो सकते हैं। तो ये जो सीखने सिखाने के अलग अलग अवसर हैं इसको ध्यान में रखते हुए पाठचर्या को विद्यालय आधारित या स्कूल आधारित रखा गया। पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें जरूर राज्य स्तर पर तैयार की गई, लेकिन यह इस छूट के साथ कि यदि आप चाहें, आपको चाहना भी चाहिए कि आप अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप इनका उपयोग करें, इसमें चाहें तो फेरबदल कर सकते हैं, सीखने सिखाने के तरीके निर्धारित कर सकते हैं। और पाठचर्या की रूपरेखा 2008 जो है वो एक दूसरी तरफ एक और बात कहती है, वो है ग्रामीण विद्यालयों के लिए पाठचर्या। मतलब जो हमारा अनुभव है गांव समुदाय का वो कई बार लुप्त हो जाता है जब हम शहरों में बैठकर शहरी बिंबों के साथ बैठकर बात करने लगते हैं। इसके कई उदाहरण हैं बिहार की किताबों में भी, पुरानी किताबों में भी, संभव है कि कुछ नई किताबों में भी हो। जैसे एक उदाहरण है कि तीसरी कक्षा में एक किताब पढ़ाई जाती थी कुछ दिनों पहले इन किताबों के आने के पहले, जिसमें जयप्रकाश नारायण जी की जीवनी थी, तो उसमें एक पंक्ति लिखी हुई थी कि यही कदम कुआं में रहते थे जयप्रकाश नारायण, तुम जब चाहो तब उनका घर देख सकते हो। तो ये एक पंक्ति बता देती है कि ये किताब कहाँ बैठ के लिखी, कहाँ लिखी, क्योंकि ये किताब उस समय बिहार और झारखंड दोनों राज्य में चलती थी। जी। तोरपा तमार में बैठा हुआ एक बच्चा या गौनाहा प्रखंड में एक बैठा हुआ तीसरी कक्षा का बच्चा जब चाहे तब कदम कुआं में आके जयप्रकाश नारायण जी का घर नहीं देख सकता। तो इसलिए ये जो शहरी मानसिकता के साथ, शहरी बोध के साथ जो किताबें बन रही थी या लिखी जा रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए ग्रामीण परिवेश को, और विशेष करके जो गांधी की बुनियादी शिक्षा की अवधारणा थी जिसमें गांव के कौशलों, गांव के जीवन से सीखी हुई बातों को सम्मानित ढंग से पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में जगह देने की बात थी, उसको ध्यान में रखा गया। तो जो वर्तमान स्वरूप अभी बिहार का उभरता है उसमें यह है कि हम अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय सीखने सिखाने के तरीकों को ध्यान में रखते हुए, अपनी उन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए जिनसे हम सीखते रहे हैं। ये आधुनिक भारतीय शिक्षा की एक बड़ी देन रही है कि उसने सीखने की जो परंपरा थी, सीखने सिखाने की जो परंपरा थी उसमें एक तरह से छेपक का काम किया, कहा सीखने के ये तरीके वैध नहीं है, सीखने के यही तरीके वैध हैं जो हमने दिया है आपको, पाठ्य पुस्तकों में से कुछ सूचनाएं ले लीजिए और उन सूचनाओं के आधार पर आपने कुछ गढ़ दिया या कुछ कर लिया, उसका जवाब ही परीक्षा में लिख दिया तो समझ लीजिए कि आपने सीख लिया। जबकि अपने यहाँ कभी भी भारतीय संस्कृति में सीखने का अर्थ इस अर्थ में नहीं था कि आप एक परीक्षा पास करिए, हमारे यहाँ सच में शिक्षा जीवन के लिए तैयारी थी। तो इसके लिए कौशल आधारित शिक्षा थी जिसको गांधी ने बुनियादी शिक्षा में पकड़ने की कोशिश की कि शिक्षा तो वही लाभदायक होगी इस देश के लिए जो किसी न किसी कौशल के माध्यम से दी जाए या कौशल पर आधारित हो। भारतीय शिक्षा की ताकत रही है एकाग्रता और लयात्मकता, एकाग्र होना और लय में होना। बच्चों को जब तक आप लय के साथ कुछ सीखने सिखाने का माहौल नहीं बनाएंगे वो सीख नहीं पाते हैं। हम लोगों ने भी या हमने अपने और दूसरे बच्चों ने भी अपने बचपन में जिन चीज़ों को एक लय में सीखा है वो आज तक हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन जिसको जबरदस्ती आपने रटवाया वो अब जिसमें हमारी समझ शामिल नहीं हो सकी थी। ये लय सिर्फ लय नहीं था, ये लय वास्तव में हमारी समझ थी, वो लय हम में वो समझ पैदा करता था जो समझ वास्तव में हमें आगे सीखने में एक आधार देता था। तो यह पाठचर्या कोशिश ये करती है, बिहार की जो नई पाठचर्या की रूपरेखा है
वो ये कोशिश करती है कि इस तरह का माहौल एक बार फिर से हमारे विद्यालयों में बने, जहां बच्चों की भाषा और उनके अनुभव के आधार पर हम अपने शिक्षण प्रक्रिया को आगे ले जा सकें। बिल्कुल, लेकिन अभी जो आपने बातचीत की उससे ये एक बात निकल के और आ रही है कि जो पाठ्यचर्या है या पाठ्यक्रम है या पाठ्य पुस्तकें हैं, ये एक दूसरे से बहुत पृथक नहीं है जी। बल्कि पाठ्य पुस्तकों में पाठ्यक्रम शामिल है, पाठ्यक्रम में पाठ्यचर्या शामिल है, और जब हम पाठ्यचर्या को भी संपूर्णता में देखते हैं तो उसमें भी पाठ्य पुस्तकों में क्या होना चाहिए इसकी झलक जरूर मिलती है। बिल्कुल। लेकिन जब हम अपने प्रशिक्षुओं या एक साझी समझ देखते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं जो है पाठ्यचर्या से लेकर और पाठ्य पुस्तकों के बीच में एक पद सोपान बना दिया जाता है कि पाठ्य पुस्तकें जो है सबसे बाद की कड़ी है और पाठ्यचर्या जो है वो सबसे पहले आ गई है, और इसलिए पाठ्यचर्या तो पाठ्य पुस्तकों को प्रभावित कर सकती है लेकिन पाठ्य पुस्तकें जो है पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाली नहीं बातें नहीं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि एक तो हम लोगों की समझ ही उल्टी बनी हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में स्कूली शिक्षा को लेकर ये समझ बनी हुई है कि हमारा अंतिम लक्ष्य है हमारी पाठ्य पुस्तकें, वही साधन है, वही साधन है, इसी को पढ़ा दो सारा काम निकल गया। तो हम उन पाठ्य पुस्तकों की दुनिया से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, हम ये भी जानने की कोशिश नहीं करते कि इन पाठ्य पुस्तकों का पाठ्यक्रम के साथ क्या रिश्ता है और इस पाठ्यक्रम का हमारी पाठचर्या के साथ क्या रिश्ता है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि पाठचर्या थोड़ी विस्तृत अवधारणा है, लेकिन वो अलग नहीं है। आप एक हवा में पाठचर्या नहीं बना सकते, उस पाठचर्या के क्रियाशीलन के लिए, उस पाठचर्या के लक्ष्यों की संप्राप्ति के लिए आपको पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों का सहारा लेना ही है या लेते ही हैं। तो वैसी स्थिति में इन तीनों का जो अंतर संबंध है, इन तीनों का जो रिश्ता है, वो तब तक संभव नहीं हो सकता है जब तक हम सिर्फ पाठ्य पुस्तकों की दुनिया में फंसे रह सकें। तो पाठ्य पुस्तकों की दुनिया से निकलने का एक रास्ता तो यह है कि हमारे जो शिक्षक हैं या हमारे जो प्रशिक्षु शिक्षक हैं, वो इस मन के साथ कि पाठ्य पुस्तकों में यदि कोई बात वर्णित है तो वो क्यों है, क्यों जी, इस पर यदि विचार करना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर वो पाठ्यक्रम और पाठचर्या के सूत्र को पकड़ पाएंगे। हमारे अभी एजेंडा में ये बात है ही नहीं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्यों पढ़ा रहे हैं जी, जिसकी चर्चा बार बार लर्निंग प्लान में करते हैं और कई पत्रों में भी कर चुके हैं कि हम ये जो पढ़ रहे हैं या जो पढ़ा रहे हैं क्यों पढ़ा रहे हैं, इसके पढ़ाने का मतलब क्या है और इस पढ़ा देने से कौन सा लक्षण प्राप्त करें जी। भाई, शिक्षा को यदि बड़े परिदृश्य में हम देखते हैं तो तीन सवाल हमारे सामने होते हैं कि भाई आपके यहाँ आप ज्ञान किसे कहते हैं, आपके लिए ज्ञान क्या है, और ऐसे ज्ञान से किस तरह के मनुष्य का निर्माण होगा और ऐसे मनुष्य मिलकर किस तरह के समाज का निर्माण करेंगे। तो लक्ष्य यही है कि हम ज्ञान, मनुष्य और समाज का जो आंतरिक रिश्ता है उसकी समझ बना सकें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये समझ बना लेते हैं कि कैसे एक कक्षा की परीक्षा पास कर ली जाए। एक कक्षा की परीक्षा पास करने में जो सबसे अधिक सहायक होता है वो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि जीवन जीने की कला सिखाने वाली शिक्षा, जीवन के संघर्षों से बाहर निकलने की कला सिखाने वाली शिक्षा, शिक्षा वह जो अंतर्द्वंद्वों से आपको बाहर निकलने में निष्णात करे या आपको इस तरह का कौशल और हुनर दे कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी काम करने की स्थिति में रहें और एक ऐसे व्यक्तित्व का विकास या निर्माण करना जिस व्यक्तित्व से टकराव की संभावना कम से कम हो। टकराव का मतलब है कि जो हमारे स्थापित संवैधानिक मूल्य हैं उससे टकराव की संभावना कम से कम हो। तो ये तो तभी संभव है जब हम ये जान पाएंगे कि जो तीन मुद्दे मैंने पहले रखे कि ज्ञान क्या है और यह ज्ञान कैसे मनुष्य का निर्माण करता है और ऐसे मनुष्य से कैसा समाज बनेगा। तो गांधी जी के लिए बहुत सरल सा उत्तर था इन तीन प्रश्नों का कि उनके लिए ज्ञान तो वही था जो कौशल आधारित हो। मनुष्य इस ज्ञान से कैसा मनुष्य बनेगा, जो कौशल युक्त होगा। समाज कैसा होगा, जो स्वावलंबी होगा। तो उनकी जो अपनी संकल्पना थी एक स्वावलंबी गांव की या शिक्षा स्वावलंबन के लिए, स्वावलंबी गांव बनाने के लिए, हो सकता है कि आज जिस भारत में हम जीवित हैं, आज जिस भारत में हम रह रहे हैं, यहाँ स्वावलंबन के मायने बदल गए हों, स्वावलंबन की तरफ जाने के तरीके बदल गए हों। लेकिन ये आज भी नहीं कहा जा सकता कि कौशल आधारित शिक्षा की आवश्यकता में हम नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का बेरोजगारी का प्रतिशत ज्यादा है और अब हम धीरे 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 देख रहे हैं कि जो हमारी परंपरागत कौशल युक्त शिक्षा थी अब वो धीरे 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 खत्म हो रही है।
आपको आज एक अच्छे कारीगर की आवश्यकता पड़े तो आप शहर में ढूंढते हैं कि कौन अच्छा है और उसी को पकड़ के लाते हैं और उससे आप काम कराते हैं। क्योंकि हमने ये मान लिया कि कुम्हार का चाक और कुम्हार के चाक में पाया जाने वाला गणित या विज्ञान हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है भौतिक विज्ञान की किताबों के पन्नों पर लिखे हुए वे सिद्धांत जिसे हमने याद किया, मतलब जिसे रटा, थोड़ा बहुत समझा और परीक्षा में फिर उसको समर्पित किया और उसके बाद निश्चिंत हो। इसलिए ये हम जानने की कोशिश ही हमने कभी नहीं की कि एक चाक जो नया चलाता है ये कुम्हार, वो अलग अलग गति पर अलग अलग तरह के बर्तन बनाता है। एक ही गति पर वो दिया नहीं बना सकता, रामग्लास नहीं बना सकता, तस्तरी नहीं बना सकता, मूर्ति नहीं बना सकता, खिलौने नहीं बना सकता। वो अलग अलग चाक की अलग अलग गतियों पर एक खास कोण में अपनी उंगलियों को जब उस गुथी हुई मिट्टी में डालता है तो उस तरह की आकृति उस मिट्टी से निकलती है। लेकिन ये भी हम नहीं जानते कि भाई दिए की दिया जब बना रहा हो एक कुम्हार तो चाक की क्या गति होगी, या एक मूर्ति बना रहा हो तो उस समय चाक की क्या गति होगी। तो जीवन से जो ज्ञान की दुनिया है और काम की दुनिया है, वो हमारी नई मतलब बिहार की नई पाठचर्या ये कहती है कि काम और ज्ञान की दुनिया में जो एक बड़ा फर्क हो गया है इसको आपको धीरे धीरे पाटना होगा। इसलिए वह अनुभव जो काम की दुनिया से एक बच्चा लेता है उस अनुभव का भी उतना ही महत्व है जिसे आप तथाकथित विद्यालय ज्ञान की दुनिया से उपजा हुआ मानते हैं। हम क्या कहते हैं, आप शिक्षकों से पूछिएगा तो वो ये कहते हैं कि आप कब कहेंगे कि आपने ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ दिया। तो आमतौर पर शिक्षकों का एक जवाब है कि हम जो स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चों को, जब वो जीवन में उपयोग करने लगे तो समझिए कि ज्ञान बाहरी दुनिया से जुड़ गया। तो अभी भी ये समझ बनी हुई है कि ज्ञान का निर्माण सिर्फ और सिर्फ स्कूल में हो सकता है, इस परिधि के बाहर, इस कैंपस के बाहर, चार दीवारी के बाहर ज्ञान है ही नहीं। जबकि ज्ञान हमारे आसपास इस तरह पसरा हुआ है और हर क्षण हमको सीखने का जो अवसर मिलता है। अब आप बताइए कि किसी भी पाठ्य पुस्तक ने कोयल की आवाज की नकल करना हमें नहीं सिखाया और गांव देहात के तमाम बच्चे कोयल की आवाज की नकल करना सीख जाते हैं और एक खास मौसम में ही उसको करते हैं। तो ये सब कुछ पाठ्य पुस्तकों में ही है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ो तो एक बच्चे के जीवन में जो कुछ चल रहा है, हम लोग अपने बचपन में दातुन काटते थे, आप शोध करा के देख लीजिए कि दातुन काटने में लोगों की उंगलियां बहुत कम कटी, जबकि किसी पाठ्य पुस्तक ने यह नहीं सिखाया कि हम दातुन कैसे कैसे हैं। नदी के किनारे रहने वाले लोग आज आप स्विमिंग पूल में जाके तैरना सीखते हैं, अपने कोच को कुछ राशि धन राशि देते हैं, मानदेय देते हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों ने ऐसे उनके जीवन में ऐसे कोच थे गाँव के बड़े बुजुर्ग जिन्होंने उन्हें नदी में तैरना सिखा दिया। अब हम उनको आपदा प्रबंधन पढ़ा रहे हैं, आज की तिथि में हमने आपदा प्रबंधन पाठ्य पुस्तकों में ले ली और नदी किनारे के लोगों को और बच्चों को कहा कि चूंकि नदी का जल प्रदूषित हो गया इसलिए तैरने की जरूरत नहीं है। मेरे बचपन में मेरे गांव के बच्चे जो 8-9 साल तक के थे वो लगभग 2 बांस पानी आने पर तैर कर निकल सकते थे। अब हालत उस गाँव की ये है जो बच्चे आपदा प्रबंधन पढ़ रहे हैं कि उनकी आपदा प्रबंधन का ज्ञान किताब में रहेगा, उन्हें तैरना आता नहीं है तो उतने भर पानी में ही डूब जाएंगे जितने पानी में उन्हें डूब जाना चाहिए। तो ये जो एक संकट है कि सब कुछ पाठ्य पुस्तकों के आसपास ही हमने रच दिया और ये तय कर दिया कि जो पाठ्य पुस्तक में है वही सच है। उसका एक दो बहुत बढ़िया उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कि किसी गणित की किसी किताब में उत्तरमाला में कोई उत्तर गलत छप गया। अच्छा, तो बच्चा यदि आप सही भी बना के देंगे तो वो बार बार उत्तरमाला को उलटता है और कहता है कि ना यही सही है। तो जो मन हम तैयार कर रहे हैं बच्चे का वो जांचने की कोशिश नहीं करता, वो देखता है कि पूरी प्रक्रिया मेरी सही है, जो मैंने सीखा है इस समस्या के समाधान के लिए वो बिल्कुल ठीक है और उसके बाद ये उत्तर आ रहा है, बार बार जांचता है लेकिन अंतिम वाक्य जो उसके लिए है वो उस पाठ्यपुस्तक में छपा हुआ है और वो उसके पाठ्यपुस्तक के उत्तर में आता है। यदि भूल से या जिसे हम लोग प्रिंटिंग एरर कहते हैं वो रह गई उस किताब में तो समझिए कि वो बच्चा उस हिसाब को तो उसी तरह किसी तरह मिला जुला के उत्तरमाला तक पहुंचा देगा। अच्छा, ये तो बात रही पाठ्यचर्या की या पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की। पाठ्यक्रम को हम अंग्रेजी में सिलेबस कहते हैं और पाठ्यचर्या को करिकुलम कहते हैं। और जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा हम लगातार 2005 के बाद बार बार आपके सामने लाते रहे, करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 उसको कहते हैं। इसके अलावा जब हम शिक्षा को व्यापक रूप में देखते हैं, और इसके पहले भी इकाइयों में जिसकी चर्चा होती रही है कि शिक्षा पे समाज का प्रभाव पड़ता है, शिक्षा जो संस्कृति है किसी समुदाय की उसका प्रभाव पड़ता है, जो आर्थिक जो स्थिति है वो भी शिक्षा को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, तो और जो स्वयं में एक राज्य है या सत्ता है उसके कारण भी जो है शिक्षा के जो चरित्र है उसमें कई प्रभाव आते रहते हैं। तो क्या ये बात जो है पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम पे भी जो है लागू होती है, जो कि है ही, लेकिन किस तरीके से लागू होती है, उसके आने की प्रक्रिया क्या होती है? दरअसल एक तो इतिहास में थोड़ा पीछे जाके इसको समझने की आवश्यकता है कि जब जिसे हम भारत की आधुनिक शिक्षा कहते हैं उसकी जब शुरुआत होती है 1854 के उठ जिस पर से हम मान सकते हैं, लेकिन स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप तो पहले हो चुका था। विश्वविद्यालय शिक्षा की शुरुआत 1854 के उठ डिस्पैच से होती है, लेकिन जो अंग्रेजी या ब्रितानी काल की जो शिक्षा है उसमें तो ब्रिटिशर्स ये जानते थे कि उनको किस तरह का व्यक्तित्व चाहिए जो उनसे कम से कम टकराए, जो उन पर कम से कम सवाल खड़ा करे और जो उनके काम को आगे बढ़ाने में मददगार हो। तो निश्चित तौर पर उनकी पाठचर्या अलग थी, निश्चित तौर पर उनके पढ़ाई लिखाई के लिए जो पाठ्य पुस्तकें बनाई गई वो फर्क थी, वो अलग थी। जब राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है 1907 में, एक तरह से जब स्वदेशी शिक्षा का आंदोलन शुरू होता है, तो उस समय जब भारतीय शिक्षा तलाश कर रही है एक विकल्प की कि हमको कैसी शिक्षा चाहिए, तो निश्चित तौर पर उनके जो मायने हैं, उनके जो लक्ष्य हैं वो अलग हैं। जैसे वैदिककालीन शिक्षा का लक्ष्य कुछ और है, बौद्ध शिक्षा का कुछ और है, अलग है, और दोनों ही उसको प्राप्त करने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो ये तो एक परंपरा है कि इन चीजों का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सत्ता का जो प्रभाव बहुत साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि अब हम लोग एक बहुत ही मजबूत लोकतंत्र में रहने वाले लोग हैं, तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उसमें सत्ता का जो पक्ष है पाठ्यचर्या में, पाठ्यक्रम में या पाठ्य पुस्तकों में वो दिखाई देता है। विशेष करके जब आप पाठ्य पुस्तकों की रचना करने बैठिएगा या पाठ्य पुस्तकों के विकास में को देखिएगा, तो उसमें लगेगा कि अलग अलग कालखंडों में महान व्यक्तित्व बदलते रहे हैं। और कृष्ण कुमार जी का एक बहुत ही अच्छा शोध कार्य भी है, प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी का, कि कैसे भारत और पाकिस्तान की आजादी की कहानी तो एक है, दोनों तो एक ही साथ लड़े थे। 14 अगस्त 1947 के पहले तो दोनों का संघर्ष एक जैसा है, लेकिन दोनों ही देश के आज के बच्चे दोनों ही अलग अलग तरह का इतिहास पढ़ते हैं, अलग अलग तरह के पात्रों के सहारे अपने स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित तौर पर किसी क्षेत्र के भूगोल का, वहाँ की आर्थिक स्थिति का, क्योंकि कई बार होता यह है कि यदि पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकों के विकास में वर्चस्वधारी वर्ग हावी रहता है, तो जब हावी रहेगा तो उसके जो निहितार्थ हैं वो जिन चीजों को अच्छा करना चाहता है उसको निश्चित तौर पर रखेगा। जैसे आप दो रिपोर्टों को देख लीजिए, 1986 की नीति कहती है कि नवोदय विद्यालय होना चाहिए और 1990 में आचार्य राममूर्ति आयोग कहता है कि इसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो पहले ही कह चुके हैं 64-66 के आयोग में, कोठारी आयोग में, कि इस देश में समान स्कूल प्रणाली होनी चाहिए। तो इस तरह का की जो बातें हैं वो इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ता, राजनीति, अर्थ, समाज ये प्रभावित नहीं करेंगे, और मुझे लगता है कि शिक्षा पर इनका प्रभाव पड़ना भी चाहिए। शिक्षा एक व्यवस्था है यदि समाज की, तो उसका प्रभाव पड़ना चाहिए, लेकिन ध्यान में यह रखने की आवश्यकता है कि एक बच्चे के सीखने सिखाने में यदि कोई बाधक तत्व है तो उसे हटाया जाना चाहिए। जब आप बच्चों के सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं तो यह शिक्षा के लिए लाभकारी नहीं है। जैसे अभी तक की जो आधुनिक भारतीय शिक्षा है उसने ये काम बखूबी किया है कि उसने ये तय किया कि 100 में 85 लोगों को फेल होने का हक है और 15 लोगों को आगे बढ़ने का हक है। अब आरटी आने के बाद भी आप कहेंगे कि नहीं यही चलता रहेगा, इसका मतलब है कि देश में हुए परिवर्तन पर आपकी कोई नजर नहीं है। अब आपको अपने इस स्टीरियोटाइप वाक्य को बदलना होगा कि हमारे समय की महान शिक्षा, भाई आपके समय की महान शिक्षा ने सिर्फ 15 लोगों को आगे बढ़ने के रास्ते बताए। आप अपनी पहली कक्षा को ध्यान में लेके चलिए कि पहली कक्षा में जो बच्चे हमारे आसपास बैठे हुए थे उसमें से कितने 5वीं तक पहुंचे थे, कितनी 10वीं बोर्ड में हमारे साथ थे, कितनी 12वीं के बोर्ड में थे और कितनी BA और MA तक हमारे साथ आए थे, तो पता लग जाएगा कि इस यात्रा में पहली से
विश्वविद्यालय तक की यात्रा करने में बहुत सारे बच्चे छूट गए। तो ये जो छूट गए, इस पर यदि शिक्षा तंत्र मतलब अफसोस नहीं मनाता तो ये दुख का विषय है कि आप एक समाज में सिर्फ 15 लोगों के लिए एक शिक्षाई व्यवस्था बनाए हुए हैं जिसमें 15 लोग आगे बढ़े, इन्हीं के लिए शिक्षा हो, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि वह व्यवस्था बिल्कुल ही उस वर्चस्वधारी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई जो ये चाहता था कि बाकी लोग या देश की एक बड़ी जनसंख्या उनसे सीधी प्रतियोगिता करने में सक्षम न हो। तो इसलिए प्रभाव से तो इनकार नहीं किया जा सकता, प्रभाव तो दिख रहा है। पुस्तकों की चर्चा के उपरांत अब हम शिक्षण शास्त्र की अवधारणा की ओर बढ़ते हैं कि आखिर शिक्षण शास्त्र क्या होता है, इसको कैसे समझा जाना चाहिए। साथियों, जब हम शिक्षण शास्त्र शब्द की बात करते हैं और अंग्रेजी में इसे पेडागोजी कहते हैं, अब तक जो हमारे शिक्षक बंधु जो बोलचाल की भाषा में टीचिंग प्रैक्टिस में प्रयोग करते रहे हैं जिस शब्द को, उसको मेथोडोलॉजी कहते रहे हैं। किसी भी विषय के साथ वो कहते थे कि ये टीचिंग या मेथड्स ऑफ टीचिंग रहा है, लेकिन आजकल हम इस पेडागोजी या शिक्षण शास्त्र शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं। इसमें कई मान्यताएं अंतर्निहित हैं कि ये शिक्षण शास्त्र जो है शिक्षण विधि से किस तरीके से अलग है। तो सबसे पहले शिक्षण शास्त्र की अवधारणा को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इसे उस शिक्षण विधि से थोड़ा फर्क करके समझना होगा, और वो फर्क क्या है ये जानना जरूरी है। देखिए, जो शिक्षण विधि रहा है वो विधि हमेशा इस बात पे जोर देता रहा है कि बच्चा कैसे सीख ले। उदाहरण के तौर पे यदि आपको किसी बच्चे को आवेदन लिखना सिखाना है तो एक शिक्षक जो शिक्षण विधि को लेकर के कार्य कर रहा है, अपनी योजना को बना रहा है, उसका प्रमुख जोर जो है वो ये रहेगा कि वो उन तमाम योजनाओं में जो है ये शामिल करे कि एक आवेदन को कैसे लिखा जाता है वो बता पाए और बच्चे उस आवेदन को लिखने की जो एक संरचना है उसको सीख जाए, उसको समझ जाए। सीखने का अर्थ है कि जब शिक्षक उन बच्चों से दोबारा कहे कि आप एक आवेदन लिखें तो बच्चे जो है जिस तरीके की संरचना में उन्हें सिखाया गया है आवेदन को लिखने के लिए उसको फिर से जो है लिख करके शिक्षक को दिखा दें, ये एक बात है। या फिर हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं कि जब परीक्षाओं में बच्चों से कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि उक्त मुद्दे पे जो है आप एक आवेदन लिखें इस व्यक्ति के पास, तो जो उन्होंने शिक्षक से सीखा था उसी धर्रे पे जो है वो उस आवेदन को लिख करके परीक्षा में दे देते हैं। तो ये तो बात रही शिक्षण विधि की कि एक शिक्षक जिस ज्ञान को सिखाता है बच्चे उस ज्ञान को सीख लें। लेकिन जो शिक्षण शास्त्र का मसला है, इस शिक्षण शास्त्र में सिर्फ ज्ञान के सीखने तक की बात नहीं है। यहाँ पे ज्ञान के प्रयोग की बात जो है प्रमुख हो जाती है, और उस ज्ञान के माध्यम से एक बच्चे में या एक व्यक्ति में जिस तरीके की क्षमता जागृत होती है वो बात महत्वपूर्ण हो जाती है। उदाहरण के तौर पे यदि एक शिक्षण शास्त्र के माध्यम से या एक शिक्षण शास्त्र के सोच को लेते हुए कोई शिक्षक जो है अपनी कक्षाओं में किसी विषय को पढ़ाता है, मैंने आवेदन का एक उदाहरण दिया तो उसी उदाहरण को मैं आगे बढ़ाता हूं, तो उस आवेदन को लिखने के क्या प्रकृति है या क्या संरचना है इसको सीखने के बाद यदि बच्चे उस आवेदन का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करना शुरू कर दें तो शायद जो है ये एक शिक्षण शास्त्र का प्रमुख जो है एक सफलता रही। तो शिक्षण शास्त्र का जो फर्क है वो शिक्षण विधि से इस मायने में थोड़ा अलग है कि वो किसी भी ज्ञान को अपने अंदर सीखने के साथ साथ जो है उस ज्ञान के अपने अंदर आने के कारण एक शक्ति भी प्रदान करता है कि मैं इस ज्ञान को प्रयोग में ला सकता हूं, और साथ साथ वो लगातार उस ज्ञान को प्रयोग करने के लिए जो है उत्साहित भी करता है कि आपने जो सीखा उसको प्रयोग में लाए। तो अभी जिस शिक्षण शास्त्र की हम बात कर रहे हैं और हमारे शिक्षकों को से जो अपेक्षा है कि वो जिन विषयों को लेकर के कक्षाओं में हमारे बच्चों के साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया में लीन होते हैं उनमें वो उस ज्ञान के साथ साथ जो है उस शक्ति को भी जो है लगातार बढ़ाएं, लगातार उसको जो है लेकर चलें
ताकि बच्चे उस ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में कर पाए जहां जरूरी है। तो ये एक बात निकल के आती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बिंदु जो है वो शिक्षण शास्त्र की अवधारणा में लोकतांत्रिक आलोचनात्मक या नवाचारी बनाने की भी बात कही गई है। तो इस ये क्या है इस दरअसल ये जो दोनों में शिक्षण विधियों में और शिक्षण शास्त्र में जो एक बहुत सामान्य सा फर्क दिखाई देता है वो ये है कि शिक्षण विधियां ये तय करती थी कि कैसे पढ़ाया जाए, और शिक्षण शास्त्र एक तरह से इस चिंता को साथ लेके चलता है कि बच्चे कैसे सीखे। तो ये एक तरह से पूरी तरह से प्रस्थान है शिक्षक से शिक्षार्थी की, शिक्षार्थी की। तो हम मान सकते हैं कि जो जिन विधियों का निर्धारण किया गया है या जिन विधियों से आप जो पुराने लेसन प्लान की कॉपी देखें, पाठ्य योजना की कॉपियां देखें, तो उसमें ये बहुत साफ साफ दिखाई देगा कि सब कुछ पहले से तयशुदा है। अब एक इतिहास का शिक्षक एक पाठ्य योजना बनाता है जिसमें उसे पानीपत की पहली लड़ाई पढ़ानी है, तो वो पूर्व पीठिका में अपनी कुछ बातें पूछ लेगा और उसके बाद पूछेगा एक सवाल की शिक्षक क्रियाशीलन में कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई। शिक्षण बिंदु है पानीपत की पहली लड़ाई, शिक्षक क्रियाशीलन है कि शिक्षक पूछेंगे कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, और छात्र क्रियाशीलन है कि बच्चे जवाब देंगे 1526। तो अब ये 1526 ही बच्चे जवाब देंगे ये मान के चल रहा है एक शिक्षक जी। लेकिन शिक्षण शास्त्र ये आजादी आपको देती है कि आप बच्चों के अनुमान को भी उतना ही महत्व दीजिए। आपके अब छात्र क्रियाशीलन का रूप बदल जाएगा, यहाँ कई संभावित उत्तर हो सकते हैं। एक बच्चा 1728 कह सकता है जी, 1556 तो कह ही सकता है, या और भी दूसरी तिथियां रख सकता है। अब उस बच्चे को 1526 तक पहुंचाने की जो पूरी प्रक्रिया है, मान लीजिए आप उसको उस सत्य तक, हालांकि एक तथ्य है या एक सूचना है, इस तक पहुंचाना बहुत आसान है। यदि और दूसरे तरह के उदाहरण रहे या जैसे भाषाओं के कई उदाहरण हैं तो उसमें समझाने में थोड़ी समस्या होगी। अब जैसे उतर रेत में आग जवासो भरे खेत में, पागल बादल व्यर्थ मगन मटराता है, सुने में क्या गाता है। यदि जानकी वल्लभ शास्त्री की इस कविता का अर्थ निकालना हो तो सभी बच्चे एक जैसा ही अर्थ निकालेंगे, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारी पाठ्य योजनाएं कहती थी कि बच्चे तो यही वाला अर्थ समझेंगे। अब जो शिक्षण शास्त्र है आप जिस या हम सब जिसे अब आलोचनात्मक या विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र कह रहे हैं, वो ये कहता है कि बच्चे को इसे अपने ढंग से समझने का अवसर आपको देना होगा। आपकी जिम्मेवारी सिर्फ इतनी है कि बच्चे ने जो कुछ भी सीखा या जाना है उसका विश्लेषण करने के बाद जिस निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंच रहा है वह पूरी प्रक्रिया जो होनी चाहिए क्या उसने की, ये देखने के लिए आप हैं कि एक प्रक्रिया के बाद एक बच्चा एक निर्णय लेता है या एक शिक्षार्थी एक निर्णय लेता है, और उस निर्णय लेने में यदि किसी तरह की वो गड़बड़ी या गलती तो कर गया है, जो चूक कर गया है तो उसे संशोधित कर दीजिए। तो शिक्षण शास्त्र का जो बड़ा हिस्सा है वो एक तरह से बाल केंद्रित वाला मामला है, बाल केंद्रित शिक्षण का मामला है कि बच्चे को केंद्र में रख के, बच्चे को केंद्र में रख के भी इसकी बड़ी विचित्र विचित्र व्याख्याएं हैं। हम लोग मजाक में कहते हैं कि एक बच्चे को बीच में खड़ा कर दो बाकी सभी बच्चे को चारों ओर रखो, ये तो बाल केंद्रित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बाल केंद्रित कहने का अर्थ है कि बच्चे के मनोभावों को, बच्चे के सीखने की दुनिया की समझ के साथ, बच्चों और बचपन के प्रति सजग और सचेत रहते हुए हमें, यानी हम शिक्षकों को अपनी शिक्षण की गतिविधियां या शिक्षण की रणनीतियां या सीखने की रणनीतियां या सीखने के माहौल बनाने की रणनीतियों का निर्माण करना होगा। तो लोकतांत्रिक कक्षाओं की जब हम बात करते हैं तो आमतौर पर आप देखिएगा कि एक चुप्पी की संस्कृति वाली कक्षाओं को हम कहते हैं कि बड़ी अच्छी कक्षा है, शांत कक्षा है, और अच्छा स्कूल कौन है, तो 4000 की भीड़ है, पहली से 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं और वहां से कोई चू चपड़ की आवाज नहीं आती है। तो ये शांत होने की शिक्षा तो अंग्रेजों ने दी थी कि भाई आपको तो शांत होना है। भारतीय संस्कृति में बिल्कुल इसका उलट है। भारतीय संस्कृति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो हम कहते हैं कि शांत हो गए, तो हमारे यहाँ शांत होना मर जाने को कहते हैं, और आधुनिक भारतीय शिक्षा में शांत होना अच्छी शिक्षा का द्योतक है। तो बच्चे को शांत होने की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता अब नहीं है, या बच्चे को सिर्फ शांत बने रहना ये अंग्रेजों के लिए बहुत जरूरी था कि ऐसे व्यक्तित्व का विकास करना जो सवाल खड़ा ना कर सके, जो सवाल न पूछे, जो दी गई बातों को या दी गई चीजों को उसी तरह समझे जिस तरह उसे समझना चाहिए, या जिस तरह उस समय की सत्ता चाहती थी समझाना उस तरह से समझे, तब तो ठीक है।
लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। इस लोकतंत्र में लोकतांत्रिक कक्षाएं तो ऐसी कक्षाएं होनी चाहिए जहां बच्चों के लिए अपने मन में उठने वाले सभी सवालों को पूछने की पूरी आजादी। मुझे एक छोटी घटना याद है, लुड्डो कैसल के स्कूल में पढ़ाते हुए कोई पाठ चल रहा था अर्थशास्त्र का, और उसी समय उत्तरकाशी में एक बड़ा भूकंप आया था जिसमें रेक्टर शब्द का प्रयोग किया गया था, और कक्षा में एक बच्चे ने पूछ लिया कि ये रेक्टर क्या है, और मैं जबकि उलट अर्थशास्त्र के किसी दूसरे बिंदु पर अपनी पाठ योजना तैयार करके पढ़ाने गया था, मेरे लिए भी बड़ा अटपटा था कि उस बच्चे के सवाल का जवाब दूं कैसे दूं। लेकिन उसको, यदि आप चाहते हैं कि बच्चे की इस जिज्ञासा को आप और हवा दीजिए ताकि वो इस तरह से सोचे, रेक्टर से कैसे माल्थस के जनसंख्या नियंत्रण के सिद्धांत की तरफ उसको लाया जा सकता है, इसका प्रभाव देखा है मैंने, क्या बच्चों के सवाल के सहारे जब आप उनकी कक्षा का संचालन करते हैं, यानी एक तरह से आपकी कक्षा में इस तरह का लोकतंत्र स्थापित है कि वहां आप बच्चे की के अनुभव को या बच्चे की समझ को सम्मान देने के लिए खड़े हैं, अपना थोपने के लिए नहीं खड़े। मैं उसे जगमग थ्योरी कहता हूँ कि गुरुजी जग और बच्चा मग, आपके पास बहुत सारी सूचनाएं हैं, ज्ञान कितना है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सूचनाएं बहुत हैं और आप उन सूचनाओं को जबरदस्ती छोटे से मग में उढ़ेलने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि बच्चा जिन सूचनाओं के आधार पर ज्ञान का सृजन करता वो ओवरफ्लो कर जाए, मग से बाहर गिर जाए, और तब आप कहते हैं कि बच्चे ने कुछ सीखा ही नहीं। भाई आपको उस मग की धारिता का, उसके कंटेंट का तो पता होना चाहिए ना कि कितना धारण कर सकता है। आप तो जग हैं, आपने 1 लीटर रखा हुआ है, बच्चा तो बेचारा 200 ग्राम वाला है, उसमें उतना ही बचेगा 200 मिलीलीटर वाला। तो इसलिए ये जो अब बात हो रही है कि कक्षाओं का स्वरूप लोकतांत्रिक होना चाहिए और आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र की जो बात है वो बहुत सीधा सा उसका अर्थ है कि आप विश्लेषण की क्षमता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ने का अवसर दीजिए, बच्चे चीजों को अपनी तरह से समझने की कोशिश करें और उनकी समझ को वैधता दीजिए। क्योंकि मूल मामला ये है कि यदि बच्चा, हम तो BCA भी कह रहा है, NCA भी कह रहा है कि ज्ञान का सृजन करना चाहिए, भाई ज्ञान को वैध कौन ठहराएगा? ज्ञान की वैधता सृजन तो हो गया, वैधता और अवैधता तय करने की जिम्मेवारी तो आज भी हम शिक्षकों की है। तो यदि उस सृजित ज्ञान को आप वैध नहीं ठहराएंगे, यदि वो एक प्रक्रिया के द्वारा उन सभी चीजों को पूरी करती हुई बच्चे अपनी भाषा, अपने अनुभव, अपने सीखने की गति के आधार पर कुछ सृजित करते हैं और आपके सामने लेके आते हैं, तो आप जब स्वयं को नहीं बदलिएगा, अपने आप को बिना बदले, तो आप उसके ज्ञान को वैध ज्ञान मान ही नहीं सकते, तो ज्ञान के सृजन का मामला ही खटाई में चला जाएगा। इसलिए ज्ञान का सृजन एक बात है, ज्ञान की वैधता मतलब मानना कक्षा में, ये एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि जब आप इस सामग्री को पढ़ेंगे, इस इकाई 4 को, तो इस पर बहुत विशद विमर्श स्वाध्याय सामग्री में भी किया गया है, और इससे भी समझ मिलेगी। NCF 2005 में भी इस पर विस्तार से चर्चा है, विशेष करके जो अध्याय 2 है जो सीखना और ज्ञान पर केंद्रित है, उसका थोड़ा हिस्सा इस स्वाध्याय सामग्री में भी लिया गया है। बिहार पाठचर्या की रूपरेखा में भी कई जगह आपको इसके समर्थन वाले तथ्य मिलेंगे। तो ये ऐसी कुछ सामग्रियां हैं जिनके सहारे हम लोग इसको सीख या जान सकते हैं। फ्रेरे ने खूब इस पर चिंतन किया है, खूब लिखा है, उनकी चीज़ों को भी पढ़ा और समझा जा सकता है, जो हमको इस विषय को और समझने में मदद देंगी। और नए संदर्भ में बहुत कुछ लिखा गया है जिससे हम अपनी समझ बना सकते हैं। तो ये अभी का जो स्थिति है भारत में, उसमें लोकतांत्रिक कक्षाएं और आलोचनात्मक या विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र अभी भी बहुत ही क्या कहें, जिस पर एक नासमझी व्याप्त है। नासमझी का आवरण धीरे धीरे जब उतरेगा, और मुझे लगता है कि इस पर और बातचीत करने की आवश्यकता है और इसको और खोलने की आवश्यकता है और करके देखने की आवश्यकता है कि सच में इसका कोई प्रभाव है या नहीं। हम यूं कहते हैं कि कक्षा में यदि बच्चे को हम सवाल पूछने की छूट देते हैं तो क्या हो जाएगा? शिक्षक हमारे कहते हैं कि सर तो सवाल नहीं पूछता है तो हम क्या करें? अब ये सवाल हम कैसे किसी शिक्षक से पूछें कि भाई सवाल बच्चा नहीं कर रहा है तो इसमें दोषी बच्चा है या हम है? क्या हमने कभी ये सोचा कि हम उसको सवाल पूछने के लिए कितना प्रेरित कर रहे हैं, या हमारी जो शिक्षण की विधियां हैं पारंपरिक या नई, या जो हमारा वर्तमान शिक्षण शास्त्र है, क्या हमको
इतनी शक्ति नहीं देता कि हम अपने बच्चों को सवाल पूछने के अवसर ही न दें, बल्कि सवाल पूछने के लायक भी बना है। और सवाल बहुत सामान्य सी बात है कि सवाल तो वही पूछ सकता है जिसने समझ लिया। आप नासमझी के साथ एक वैध सवाल नहीं पूछ सकते। तो समझ को जांचने का भी, जहां हम लोग बात करते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, मुझे लगता है कि यदि बच्चे कक्षा में सवाल पूछने लगे, अपनी समस्याओं का, अपनी शंकाओं का, अपनी जिज्ञासाओं का आपके समक्ष प्रदर्शन करने लगे, तो आपको सीसी आपका हो गया। हाँ, आप ये समझ गए कि हमारा बच्चा क्या और कैसे सीख रहा है। और साथ ही साथ एक शिक्षक यदि ध्यान से अपने इन पात्रों को देखें जिनके साथ वो लगभग 6 घंटे का वक्त बिताते हैं, तो ये जान पाएंगे कि उसके पात्र के सीखने की सीढ़ियां क्या है, वो किस तरह से सीख रहा है। तो और एक और परिवर्तन जो आया है जिस पर हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, और वो ये है कि अभी तक हम लोग ये मानते रहे कि जो गलती करता है वो सीख नहीं सकता, और हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, गलतियां सीखने की सीढ़ियां। और शायद ही ऐसा हुआ है बिना गलती किए कोई सीख लिया। गलती तो हम करते हैं, और गलती करके ही सीखते हैं, और अनौपचारिक तरीके से भी जो हम सीखते हैं उसमें भी गलतियां करते हैं और सीखते हैं। तो अब गलतियां ऐसी नहीं है जिसमें आप कहें कि ये बच्चा सीख नहीं सकता, बल्कि गलतियों के प्रकार को जानकर उनका जब तक आप परिमार्जन या संशोधन नहीं करते, तब तक आप एक बच्चे को ये नहीं कह सकते कि अब ये सीखने के अपने पेस पर आ गया है, या सीखने की इसकी जो गति है ये यहाँ आ गया है। वो अपनी गति से सीख रहा है, गलतियां कर रहा है, सीख रहा है, जा रहा है। लेकिन आपने जब हतोत्साहित करना शुरू कर दिया, तो ये लोकतांत्रिक कक्षा नहीं है जहां आप उसके सीखने की गति को बिना ध्यान में रखे उसकी गलतियों के आधार पर उसको न सीखने वालों की श्रेणी में डाल। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही, और मुझे लगता है कि जो एक नवाचारी शिक्षण शास्त्र की बात भी इसमें कहीं ना कहीं कही जा रही है, वो भी आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र और लोकतांत्रिक शिक्षण शास्त्र से ही जुड़ा हुआ है। जब आपके कक्षाओं में लोकतांत्रिक प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाएगा, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दिया जाएगा, तो अपने आप में वो एक नएपन को लेकर के आएगा। एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे अंतिम जो बिंदु है, कि यदि हम पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक या जिस तरीके का पाठ्यक्रम की बातचीत कर रहे हैं, या जिस तरीके के शिक्षण शास्त्र की बातचीत कर रहे हैं, उन सबके संदर्भ को यदि एक साथ लेकर हम चलें, तो किस तरीके के शिक्षक की हम कल्पना कर रहे हैं, आखिर उस शिक्षक से हमारी क्या अपेक्षा है, कैसा वो बने, कैसा तैयार, ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो शिक्षक की अपनी जो जिम्मेवारियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। और दूसरी बात यह है कि समाज में शिक्षक एक शिक्षण एक ऐसी वृत्ति है जिसमें आपको अपने हर 35 मिनट में और हर 50 मिनट में सिद्ध करना होता है आपके लिए, आपकी हर कक्षा, विद्यालयों में 35 मिनट की, विश्वविद्यालयों में 50 मिनट, जहां आपको अपने इन 35 मिनट में अपने आप को सिद्ध भी करना है और एक तरह से स्थापित भी करना है। क्योंकि जो बच्चे आपके सामने बैठे हैं, यदि आप उनके साथ या उनके सीखने के अवसरों के साथ न्याय नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि शिक्षण वृत्ति के साथ ये न्याय नहीं है। शिक्षक कैसा हो, इस पूरी प्रक्रिया के बाद किस तरह का शिक्षक चाहिए, पाठचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण शास्त्र या जो और सामाजिक मान्यताएँ हैं उसको ध्यान में रखते हुए यदि हम लोग बात करें, तो मुझे लगता है कि मैं एक छोटी कहानी के सहारे इसे आपको बताने की कोशिश करता हूं, और मुझे लगता है कि वो कहानी ये कह पाएगी कि एक शिक्षक की भूमिका क्या है। हम सब ने बचपन में ईदगाह कहानी पढ़ी है, प्रेमचंद जी की बहुत मशहूर कहानी है। उसका एक पात्र है हामिद, वो छोटा बच्चा है वो, और हामिद घर में देखता है कि घर में उसकी दादी है केवल, और वो देखता है कि दादी जब भी रोटी बनाती हैं तो उनका हाथ जल जाता है क्योंकि चिमटा नहीं है उनके पास। तो हामिद अवलोकन करता है, बच्चा है, अपने आसपास की चीज़ों का हर बच्चा अवलोकन करता है, वो भी अपने ढंग से अवलोकन करता है। हामिद जब अवलोकन करता है तो वो ये अनुमान लगाता है एक तरह से कि उसकी दादी के पास यदि चिमटा आ जाए तो शायद उसका हाथ रोटी बनाने में न जले। ध्यान रखिएगा कि इस तरह की सूचनाएं उसके पाठ्य पुस्तकों में तो नहीं रही होंगी उस समय भी जब प्रेमचंद लिख रहे थे इस कहानी को। वह छोटा बच्चा है, ईद का अवसर है और ईद का मेला लगा है गांव के पास ही, गांव के बहुत सारे बच्चों के साथ
हामिद भी मेला घूमने जाता है और अन्य अभिभावकों की तरह उसकी दादी भी उसे कुछ ईदी देती हैं कि उस ईदी को लेके वो मेले में जाए और कुछ खरीदे, कुछ खिलौने ले या कुछ खाए। इसी उद्देश्य से संभवतः दादी ने उसको कुछ पैसे दिए होंगे। जब हामिद मेला में पहुंचता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं से ये चल रहा है कि उसकी दादी का हाथ बिना चिमटे के जल जाता है, इस मेला में चिमटा जरूर मिलेगा। तो वह एक निर्णय ले चुका है कि अपने दादी के हाथ को जलने से बचाने के लिए उसे चिमटा खरीदना है। हामिद मेला में पहुंचता है और देखता है कि उसके कुछ दोस्त मिठाई खरीदने खा रहे हैं, कुछ खिलौने खरीद रहे हैं, बच्चा है, द्वंद्व में फंसता है। अब बड़ी ही चालाकी के साथ, ध्यान रखिएगा कि प्रेमचंद स्वयं शिक्षक थे और शिक्षा विभाग से जुड़े जी, तो बहुत ही करीब से उन्होंने शिक्षा और शिक्षकों को देखा था, लेकिन इस कहानी में उन्होंने हामिद के साथ किसी बड़े या किसी शिक्षक को नहीं लगाया है कि हामिद जाके पूछता है कि चाचा अब हमको तो मिठाई खाने की इच्छा है लेकिन दादी के लिए हम चिमटा भी खरीदना चाहते हैं, ऐसा नहीं करता। वह एक अंतर्द्वंद्व में फंसा हुआ है और उस अंतर्द्वंद्व से निकलने के रास्ते स्वयं तलाश रहा है। ये वह रास्ते क्या तलाश रहा है, वो कुछ तथ्य, कुछ तर्क गढ़ता है और मन को समझाता है कि अरे इस मिठाई का क्या, अभी खाया और अभी गया, और ये मिट्टी का भिस्ती चिमटे से मारूं तो मिट्टी में मिल जाए। और अंतिम निर्णय जो वो लेके चला है घर से कि मुझे तो खरीदना चिमटा है। तो यह हामिद जो एक व्यक्तित्व है जो कल समाज में एक मतलब उसका भी व्यक्तित्व बढ़ेगा और वो आगे जाएगा, एक जब संपूर्ण व्यक्तित्व बनेगा तो वह अवलोकन करता है, वह विश्लेषण करता है चीजों का, निर्णय लेता है और अंतर्द्वंद्व से निकलने के रास्ते तलाशता है और अपने निर्णय पर अटिक रहना सीखता है। इस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण जो शिक्षक कर सकता है, मुझे लगता है कि आज यह देश और यह राज्य ऐसे ही शिक्षकों की आवश्यकता में है जो हामिद जैसे पात्रों का व्यक्तित्व बना सके। बिल्कुल सही कहा। आप शिक्षक की अवधारणा के ऊपर जब बातचीत हम लोग कर रहे हैं, तो जब मैं विद्यालयों में जाता हूँ और आजकल जो एक बाल केंद्रित शिक्षा की जो हवा या कहें कि जो एक नई संकल्पना है वो चली है, और जिसमें शिक्षक लगातार ये कह रहे हैं कि अब तो ज्ञान का निर्माण बच्चे ही कर रहे हैं, वो खुद से ही जो है सवाल पूछेंगे, खुद से ही ज्ञान को निर्मित करेंगे, खुद से ही उसको जांचेंगे परखेंगे, तो अब शिक्षक का रोल क्या रह गया? ये सवाल बार बार निकल के आता है कि अब शिक्षक वैसा नहीं रहा जो कक्षा में जिसको बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियों का काम करना है या फिर हर बात में जो है उसको कुछ कुछ करते रहना है, लेकिन आपकी बात से तो ऐसा लगता है कि अब तो शिक्षक की जो जिम्मेवारी है या शिक्षक की जो भूमिका है वो बड़ी है, वो और बड़ी है और ज्यादा सशक्त हुई है। तो आज जो शिक्षक, जो हम सीधा बाल केंद्रित शिक्षा को शिक्षक केंद्रित शिक्षा के उलट देखते हैं, और शायद इसमें भी कोई एक दोष है, हमें देखना भी नहीं चाहिए कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा एक दूसरे के उलट है। आज तो हमें एक ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है जो इस बाल केंद्रित शिक्षण में जो है एक ऐसी भूमिका निभा सके जिससे बच्चे अपने आप को सीखने के लिए लगातार क्षमतावान माने। हाँ, बिल्कुल। जो पहले शिक्षक की एक भूमिका थी जिसमें वो स्वयं को सिर्फ क्षमतावान मानता था, आज तो उसके पास ये एक बड़ा उत्तरदायित्व है कि वो अपने विद्यालय और अपनी कक्षा के हर बच्चे को क्षमतावान। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक जिम्मेवारी बढ़ी है, इसलिए जो शिक्षक की भूमिका है उसमें बाल केंद्रित कहने से शिक्षक की जो एक शिक्षक का जो एक महत्व है वो कभी कम नहीं हुआ है, और उस शिक्षक के महत्व को जो है और बढ़ाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बिल्कुल बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मैंने कहा कि ये एक प्रस्थान है, प्रस्थान है कि आपने जो विचार का प्रस्थान है वो ये है कि आप सब कुछ शिक्षक को केंद्र में लेके रच रहे थे और अब आप बच्चे को केंद्र में रख के सारी रणनीतियां बना रहे हैं। तो बच्चा कल भी महत्वपूर्ण था। आप पास फेल किसको करते थे? उसी बच्चे को करते थे। पढ़ाते किसको थे? बच्चे को थे। तो शिक्षक की भूमिका बढ़ी है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि ये समझ बन रही है या बन गई है कि अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को करने के लिए कुछ नहीं, करने के लिए इतना कुछ है कि यदि अब शिक्षक अपने बच्चों के साथ और कुछ करें या ना करें, कम से कम संवाद करना शुरू कर दे, बातचीत करना शुरू कर दे, उनके साथ एक बदकही में शामिल हो जाए,
तब भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो, क्योंकि वह जो एक भय का वातावरण हम लोगों ने बना के रखा था अभी तक कि शिक्षक और छात्र कहीं कोई दो ऐसे अजनबी हैं जो किसी कारणवश रोज 10 बजे की घंटी के साथ मिलते हैं और 4 बजे की घंटी के साथ विदा हो जाते हैं, जिनका रिश्ता उत्तर पुस्तिकाओं पर लाल कलम दौड़ाने भर का है, पास और फेल भर का है, वो नहीं है। बल्कि अब तो वैसे शिक्षकों की आवश्यकता है जो इन बच्चों के साथ एक जीवंत संवाद कायम कर सके, बच्चे और बचपन के प्रति सजग और सहज रहते हुए, मतलब ये बोध कि भाई ये हमें सीखना होगा एक माँ से। एक माँ कभी भी अपने बच्चे को तब तक दूध का ग्लास पूरे तौर पर नहीं सौंपती है जब तक वो ये नहीं मान लेती कि बच्चे के हाथ की मांसपेशियां इस लायक हो गई हैं कि अब वो ग्लास पकड़ सकता है। तो एक शिक्षक यह क्यों नहीं तय कर सकता कि किसी चीज को सीखने या समझने लायक उसका पात्र जब हो जाए तभी हम उसे दें, हम जबरदस्ती उसके साथ क्यों करें। इसलिए बच्चे को समझना आवश्यक है। और ये यह बात तो आराम से हम रोज ही देखते हैं, अनपढ़ माँ भी आप नहीं देखेंगे कि एक 2.5-3 महीने का बच्चा जो ग्लास नहीं पकड़ सकता है, माँ ने उसे ग्लास में दूध भर के या पानी भर के दे दिया कि वो पी ले, ऐसा नहीं होता है। तो इसका अर्थ है कि माँ अपने उस बच्चे के की शारीरिक वृद्धि को और विकास को दोनों को समझ रही है। तो एक शिक्षक को भी बच्चे की वृद्धि और विकास को समझना होगा और इसलिए उनकी भूमिका बढ़ती है जी। जब आप बाल केंद्रित कहते हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि अब शिक्षक की भूमिका समाप्त होती है, बल्कि शिक्षक की एक नई भूमिका शुरू होती है। उस नई भूमिका को जानने की आवश्यकता है जिसके केंद्र में बच्चा है। और अपने कई बार हम अपने बचपन में लौटने की कोशिश नहीं करते, ये भी एक कठिनाई है। यदि एक शिक्षक रोज विद्यालय जाने के पहले अपने बचपन में लौट भर जाए और अपने दिनों की कक्षाओं को भी याद कर ले तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम लोगों ने अपने बचपन को इतने पीछे धकेल दिया है और कहते हैं कि इस भागम भागी की दुनिया में कहाँ इतना वक्त है कि हम अपने बचपन के बारे में सोचें। तो मुझे लगता है कि यदि शिक्षक अपने बचपन के बारे में सोच के विद्यालय में जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षकों की भूमिका बढ़ाती है। और अन्य भूमिकाएं और जो बढ़ी हैं शिक्षकों की, उस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन कक्षा वास्तव में कक्षा के भीतर की जो उनकी भूमिका बदली और है और बढ़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसे उनको स्वीकार करना चाहिए। और यह जो प्रशिक्षण चल रहा है D.El.Ed O.D.L. का, ये महज इसलिए नहीं चलाया जा रहा है कि आपने एक डिग्री दे दी, आपने एक डिप्लोमा दे दिया, क्योंकि सब लोगों को पता है कि इसमें न कोई टॉपर होगा, न किसी को स्वर्ण पदक मिलेगा और न कोई फेल भी नहीं होता है। यहाँ तो बैक लिखा जाता है कि इस बार आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी, अगली बार आप तैयारी के साथ इस तैयारी के साथ आए कि शायद जो मानक बनाए गए थे उस मानक तक अभी आपका स्वाध्याय पूरा नहीं हुआ है, तो आप अगली बार आए। तो यह जो D.El.Ed O.D.L. है ये तो कक्षाओं में परिवर्तन का हिमायती है, क्योंकि यह सेवाकालीन प्रशिक्षण है तो इसका असर तो सीधे सीधे दिखाई देना चाहिए बिहार की कक्षाओं में। तो ये सारी अवधारणाओं से लैस होकर जब हमारे शिक्षक कक्षाओं में जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा सचेत और सजग होंगे बच्चे और बचपन के प्रति, ज्यादा सम्मान कर पाएंगे उस लोकतांत्रिक कक्षा का जिसकी इस राज्य को जरूरत है, और मानसिक रूप से वो आलोचनात्मक शिक्षक शिक्षण शास्त्र के पक्षधर होके और विवेचनाओं को विश्लेषण को बच्चों में भरने की और डालने की कोशिश करेंगे, न कि सिर्फ कुछ सूचनाएं दे के निश्चिंत हो जाएंगे। हम लोग जिस समय में जी रहे हैं उसमें तो गूगल बाबा को आदेश दो और सूचनाएं आपके सामने जिन्न की तरह खड़ी हैं। तो एक समय में शिक्षक का काम सूचनाएं देना भी रहा होगा, अब सिर्फ सूचना देने से शिक्षक का काम नहीं चला, अब तो आप उन सूचनाओं के आधार पर, सूचनाएं आधार हो सकती हैं ज्ञान के सृजन का, सूचनाएं देनी होंगी आपको। ऐसा नहीं है कि आप बिना सूचना दिए सब कुछ कर लेंगे, आखिर सूचना देने का काम कौन करेगा, शिक्षक करेंगे, उनकी एक भूमिका है सूचना, लेकिन सिर्फ सूचना देने की भूमिका नहीं है। पहले हमने मान लिया कि हमने कुछ सूचनाएं दे दी, बता दिया कि देश की राजधानी कहाँ है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, बिहार राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, सामान्य ज्ञान की कुछ बातें बता दी, कुछ सूचनाएं दे दी और हम लोगों ने बच्चा वाह 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 बड़ा तेज है, ये तो सब कुछ जानता है। अभी भी मैं देखता हूँ कि कई जगह लोग कई पत्रकार इन्हीं सवालों के आधार पर ये तय कर लेते हैं कि हमारे बच्चे क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते और शिक्षकों की क्या और शिक्षकों की क्या स्थिति, ये भी दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं। ये भी एक दूसरी तस्वीर है कि यदि आप शिक्षा में कोई प्रयोग कर रहे हैं या शिक्षा में कोई नवाचार कर रहे हैं तो समाज उस नवाचार को पता नहीं किस नजरिए से देखता है।
वह समाज ये सोचता है कि शिक्षा में तो कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। अरे आपके जीवन में परिवर्तन हो गया, आपने अपने खाने पीने के तरीके बदल दिए, आपके खाद्य पदार्थ बदल गए, आपके कपड़ों के प्रकार बदल गए, आपके जीवन जीने का तरीका सलीका बदल गया, और आप कहते हैं कि शिक्षा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये संभव नहीं है। जब जीवन बदलेगा, जीवन में कोई भी परिवर्तन होगा, तो उसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ेगा ही पड़ेगा, और आए हुए परिवर्तनों के साथ यदि शिक्षा कदम तहल नहीं करती है तो पिछड़ी हुई शिक्षा होगी जी। फिर आप हल्ला करेंगे कि ना ना ये तो बहुत पुराना मामला है, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी शिक्षा का क्या करें। और दूसरी तरफ कहिएगा शिक्षा में बड़ा प्रयोग हो रहा है, अरे भाई प्रयोग तो होगा ही होगा, जीवन बदल गया ना, अब चीना माढ़ा गायब हो गए हमारे जीवन से, अब तो नहीं है। हम लोगों के देखते देखते भोजपुरी भाषा के 100 से 150 शब्द मर गए, जो अब उपयोग में नहीं है। आप पहले नंगे सर हमारे बड़े नहीं रहते थे, टोपी पगड़ी वगड़ी बांध के चलते थे, हम आराम से नंगे सर सर रहते हैं, वो खाली पांव चलते थे, हम 5,000 का जूता पहन के घूम रहे हैं। खाने के लिए दक्षिण भारत हो कि उत्तर भारत हो कि इटली का पिज्जा हो, सब मिल रहा है, अब आपके कदमों में है, आपकी आपकी शरण में है, सब कुछ बदलना चाहिए जीवन में, लेकिन शिक्षा में बदलाव नहीं होना, यही संभव नहीं है। इसलिए शिक्षा में आए बदलावों को भी समझना चाहिए, और विशेष करके शिक्षकों को स्वीकार करना चाहिए कि यह बदलाव हमारे समय की मांग है, इसलिए इस बदलाव को स्वीकार करते हुए इस बदलाव से के अनुरूप हमारी शिक्षण प्रणाली कैसी होगी, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन कई बार शिक्षक ही एक सवाल खड़ा कर देते हैं, बड़ा प्रयोग हो रहा है हमारे विभाग में, बड़ा नवाचार हो रहा है, एयर कंडीशन कमरे में बैठ के लोग अपना कुछ कुछ बना देते हैं, उनको गाँव की हकीकत का पता ही नहीं है। अरे भाई जो लोग आज एयर कंडीशन कमरे में बैठ रहे हैं उनका इतिहास भूगोल जानिएगा तो पता लगेगा कि वो भी गांव के ग्राम की उन्हीं पगडंडियों से चल के उन्हीं पगडंडियों पर खड़े होकर सीखते हुए आगे बढ़े हैं। इसलिए आप बदलाव के चूंकि पक्षधर नहीं हैं, इसलिए आप उस बदलाव को इनकार करने का एक तर्क गढ़ लेते हैं कि ये तो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के बैठे हुए लोग हैं, गरीबों के बच्चों की शिक्षा के विरोधी लोग हैं, अपने बच्चों के लिए अलग तरह की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं और हम लोगों के बच्चों को पिछड़ा रखना चाहते हैं। ये सब ऐसे तर्क और तथ्य हैं जिन तर्क और तथ्यों से शिक्षा नहीं चलती है। आप ही भी तय कर लीजिए ना कि बच्चे कैसे सीखेंगे और कैसे पढ़ेंगे। आपको तो ये अधिकार दिया गया है कि आप अपनी पाठचर्या स्वयं विकसित और निर्मित करें। आपको लगता है कि ये पाठ यहाँ पढ़ाया जाना नहीं है, मैंने कहीं और भी कहा था, उसे फिर से दोहरा रहा हूँ कि हिमाचल का एक शिक्षक ये कहता है कि हमको ऊँट पढ़ाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, अब हमको अपने बिंब लेने दो, तो उसको ये छूट मिलनी चाहिए कि वो बिंब बदल सके। और आप जैसलमेर में जाके कहिए कि यहाँ तो बर्फबारी का पाठ उसी तरह पढ़ा दो जैसे हिमाचल और जम्मू कश्मीर में पढ़ाते, तो संभव नहीं है। तो उसको ये छूट मिलनी चाहिए और ये छूट नई पाठचर्या ने दी है। आप उस छूट को या उस जरूरत को स्वीकार तो करिए पहले। आवश्यकता नई चीजों को, नए नजरिए को आत्मसात करने की है, और आप मेरे कहने पर आत्मसात मत कर लीजिए। आपको अपने लिए एक विश्लेषण की कसौटी बनानी होगी। शिक्षक जब तक अपने लिए कोई कसौटी तैयार नहीं करता, तब तक मुझे लगता है कि वो शिक्षण कार्य के प्रति वास्तव में न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए आवश्यकता यह है कि आप एक कसौटी बनाइए और आप अपने औजारों को पहचानिए। एक शिक्षक क्यों नहीं जाने की पाठचर्या क्या होती है, क्यों नहीं जाने की पाठ्यक्रम क्या है। आपने कहा कि हमने तो 3 पाठ पढ़ा दिया, हमको जनवरी फरवरी मार्च में पढ़ाना था, इसका रिश्ता क्या था? पाठचर्या ने इन पाठों से कुछ उम्मीद की थी। गणित हम क्यों पढ़ा रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन हम क्यों पढ़ा रहे हैं, या क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, पाठचर्या की रूपरेखा ने हमें बताया सिखाया था, और आज भी वो दस्तावेज हमारे पास है कि हम जान सकते हैं कि क्या सच में हम जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी पाठचर्या की रूपरेखा में निहित उद्देश्यों की संप्राप्ति की ओर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो ये कहना कि नहीं हमने पाठ पढ़ा दिया, अब मुझे नहीं लगता कि इससे बात बनने वाली है। इसलिए एक तो कसौटी शिक्षकों को अपनी विकसित करनी होगी, और इस तरह की सूचनाएं जो विभिन्न तरह से आती हैं और इस तरह के औजार जो उनके जीवन में उपयोग आने वाले हैं या जो उनको नई चुनौतियों को समझने में मदद करने वाले हैं, इस तरह की बात जो भी कहता है कि ये इन एयर कंडीशन कमरे वाले बना दिए, फलाने बना दिए, भाई राज्य में कोई विकल्प तो बने, आप विकल्प तो दीजिए। एयर कंडीशन यदि कमरों में बैठ के चीजें बन रही हैं तो आप कम से कम घास पर बैठ के एक विकल्प बनाइए। तो आप विकल्प देंगे नहीं, ये सिखा दिया गया है हम लोगों को, आधुनिक भारतीय शिक्षा ने हम लोगों को इतना चालाक और पाखंडी बना दिया है कि हम ये तो कहेंगे कि ये नहीं चलने वाला है, क्या चलने वाला है ये बताने की शक्ति हमको नहीं दी गई। भाई हमें ये चाहिए, हम ये पाठ नहीं पढ़ा सकते, इसका विकल्प हमको चाहिए, ये है विकल्प, देखिए ये पढ़ाया जाए, ये बड़ा अच्छा रहेगा और इसका प्रभाव इससे जरूर बेहतर पड़ेगा, या आपने उसको जांच लिया
किससे इसका प्रभाव बेहतर है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कसौटियां निश्चित तौर पर शिक्षकों को अपने लिए भी तैयार करनी चाहिए, और सिर्फ किसी चीज को अकारण खारिज कर देने से बात बनने वाली नहीं। और बात ये भी है कि आज की जो पाठ्यचर्या की संकल्पना की जो हम बात कर रहे हैं या जिस तरीके के पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं उसमें पूरी आजादी है, पूरी आजादी, ये पूरी आजादी है कि आप अपने पाठ्यचर्या को गढ़े, अपने पाठ्य पुस्तकों को गढ़े, नए नए गतिविधियों को कराए अपने अनुसार, जो है कक्षाओं को जो है स्कूल में या विद्यालय में गणित या विज्ञान मेला लगाना एक सरकारी निर्देश नहीं होता है जी, ये आपकी जरूरत से जिस दिन निकलने लगेगा ना उस दिन आप पाठचर्या को सही अर्थों में समझ के लागू करने वाले हो जाएंगे। पत्रांक संख्या 618 के द्वारा यदि विज्ञान और गणित मेला का आयोजन हम करते हैं तो यह आयोजन विद्यालय स्तरीय पाठचर्या से संबद्ध नहीं है, फिर यह वैसे ही औपचारिक तरह का हाँ एक डिक्टेशन है डिक्टेशन जो आपको एक जगह से दिया गया और आप किसी कारणवश उसको मान रहे हैं। लेकिन एक विद्यालय ये तय करे कि हमारे यहाँ अमुक दिन या अमुक विषयों पर इस तरह की कोई प्रदर्शनी लगानी है तब मुझे लगता है कि बात और बेहतर होगी, बात बनेगी और बिहार की कक्षाओं में जीवंतता भी आएगी और दोनों को मजा आएगा, दोनों को नहीं बल्कि तीनों को मजा आएगा, बच्चों को भी, उनके अभिभावकों को भी और हम सभी शिक्षकों को भी। अब मुझे लगता है समाज भी सक्रिय होगा, बिल्कुल होगा कि जो हो रहे हैं जो विद्यालय में होता है और विद्यालय के अंदर ही समाप्त हो जाता है उसका दायरा बढ़ेगा, समाज भी ये खोजने की कोशिश करेगा कि आखिर विद्यालय में हो क्या हो क्या रहा है और उससे भी सीखेगा। तो आज की चर्चा में हम लोगों ने काफी कुछ ऐसी बातों पे कुछ कुछ बिंदुओं को छुआ जो मुझे लगता है कि इस इकाई को समझने में और साथ साथ जो है शिक्षा का, पाठ्यचर्या का या शिक्षण शास्त्र का एक व्यापक समझ बनाने में हमारे प्रशिक्षकों को मदद करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानदेव जी, धन्यवाद किया, नमस्कार।